ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक पुलिस चौकी सप्रून के अंतर्गत ग्राम पंचायत तोप की बेड़ के गांव मनलोक का रहने वाला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल में पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया और शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सोलन के एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक पुलिस चौकी सप्रून के अंतर्गत ग्राम पंचायत तोप की बेड़ के गांव मल्लोक का रहने वाला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल में पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया और शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक दीपक कुमार ने बीती रात्रि को कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। सुबह जब परिजनों द्वारा उसको आवाज लगाई गई तब वे बाहर नहीं आया। तब परिजनों ने कमरे के दरवाजे की जाली से अंदर देखा तो पाया कि उनके बेटे ने कमरे में लगे पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने दरवाजे की जाली काट कर अंदर प्रवेश किया, साथ ही हादसे की सूचना पुलिस को दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस ने जांच में पाया कि 26 वर्षीय युवक दीपक ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया है और आत्महत्या के कारणों की जांच चल रही है। मॉर्निंग में लगभग 9 बजे हमें सप्रून चौकी में सूचना प्राप्त हुई थी कि मनलोक गाँव में किसी लड़के ने हैंगिंग कर ली है। इस पे SHO सदर अपनी टीम के साथ तुरंत मौका पे गए थे तो जांच पे पाया गया कि जो एक लड़का है उसका नाम दीपक कुमार है, मनलोक का रहने वाला है, 26 ईयर्स ओल्ड है। इसने अपने कमरे में फैन के साथ एक कंबल की हेल्प से हैंगिंग करी थी जिसकी बॉडी को घर वालों ने नीचे उतार दिया था। इसको जब हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ पे इसको ब्राउट डेड डिक्लेयर किया गया है। इस बॉडी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। 174 CRPC के तहत फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है।